सवाल हमेशा रिवाइज करना नहीं होता है। बहुत सारे सवाल बार बार रिवाइज करने की जरूरत बेटा नहीं है। तो ऑनलाइन में तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है और सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है, यहीं पे सारा कुछ है। ईमानदारी से बता, 80-90% कंटेंट, चाहे कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, PYQ तुमको 80-90% मिलेगा, PYQ 80-90% मिलेगा, कोई भी किताब उठा लोगे 80-90% मिलेगा। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस यही हो रही, यहीं पे सारी प्रैक्टिस हो रही, सारा थ्योरी पढ़ रहे हो, सब कंसेप्ट पढ़ रहे हो, अब सीधा पेपर उठाओ। मैंने पिछले साल भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, समय आ गया है, जाओ कम से कम 4-5 किलो पेपर खरीद के ले आओ, 4-5 किलो पेपर खरीद के ले आओ। किसी भी पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 2-3 साल पहले के टेस्ट सीरीज का, कोई भी कोचिंग का 2-3 साल का टेस्ट पेपर 4-5 किलो खरीद के ले आओ। हर शहर में एक जगह होता है जहां पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पुराने पेपर मिल रहे होते हैं। फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवाइज करो और उसको सॉल्व करना शुरू करो। पहली बात, छुट्टियां बहुत कम होती है ऑनलाइन में। दूसरी बात, एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन में। तीसरी बात, कंटेंट 2-3 गुना होता है ऑनलाइन में। चौथी बात, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है जिससे हेडेक और हेल्थ इश्यूज भी रहता है। पांचवी बात, घर पे पेरेंट्स के साथ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़ा भाई छोटी बहन, आपके माता पिता, सब एक जैसे नहीं होते हैं सबके पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स के साथ बच्चा कंफर्ट नहीं कर पाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, वो संघर्ष कर रहा होता है पैरेलली। इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है ये काम। एक भी बैकलॉग ना होने देना 5 महीने में, लगातार पढ़ाई करते रहना, ऑनलाइन में इतना कंटेंट झेल पाना, सैल्यूट है। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं और रिजल्ट आप दे देते हैं, तो डॉक्टर के घर में जो डॉक्टर बनता है, कोटा, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाके जो डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर से कहीं बड़ा ओहदा और इज्जत तुम डिजर्व करते हो। उस रैंक वन से बड़ा रैंक तुम हो, जो 7वीं 8वीं 9वीं में चला गया था कोटा, या कहीं बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े शहर में पढ़ रहा है, अगर कोई रैंक लाता भी है 4-5-10, उससे बड़ा रैंक वो लड़का है जो यूपी के एक छोटे से गांव में कढ़ाई बुनाई करने वाले का बेटा है, जो कढ़ाई बुनाई करके किताब खरीदता है और पढ़ के डॉक्टर बन जाता है। उससे बड़े डॉक्टर का होता वो है, वो दुनिया को बदलेगा, जो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी डॉक्टर बन जाती है। छोटे छोटे ऑफिस में काम करने वाले, उधर कोलकाता के एक शहर का कौन सा लड़का था, एक नाम भूल गया मैं पिछले साल का, इस साल भी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आप डॉक्टर्स का देख रहे हैं, उससे बड़ा दर्जा तुम्हारा होगा। टीवी स्क्रीन पर देखना लेक्चर और सारे कंटेंट को झेल पाना इतने कम छुट्टियों में, आप हो रहे होंगे फ्रस्ट्रेट, मैं जानता हूं आप हो रहे होंगे कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैनेज नहीं हो पा रहा, सर PDF दे दो इसका अलग से, मैं जानता हूं आप हो रहे होंगे कंटेंट की, सर नहीं हो पाता रिवीजन, इतना पढ़ाओगे तो हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, मैं जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। और तुम जो ये झेल रहे हो, ये बहुत आसान नहीं है, ऑनलाइन सबके बस का नहीं, कर सकता ऑनलाइन पढ़ाई। आप देखो मेजोरिटी घूमो, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लड़के, आपके गाँव के लड़के ये कहते होंगे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा यार, ऑनलाइन थोड़ी ना होता है, अरे ऑनलाइन। और उस चीज में तुमने एक बैकलॉग आने नहीं दिया और इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बस जरूरत है तो इसको कंटिन्यू करने की, जरूरत है इसको कंटिन्यू करने की, इसी पेशेंस और इसी टेम्परामेंट एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ने की, इसकी जरूरत है बस। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो बेटा, और तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही है तो मैंने बता दिया ना कि दिक्कत वाली बात है, घबराओ मत, सबके साथ हो रही है, लेकिन करते चलो। और हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट जो मिलता है ना वो प्रोसेस की वजह से मिलता है। तो अपने आप को प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, अपने आप को आज में इन्वॉल्व करो, तुमने आज कितनी पढ़ाई करी है ये इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से रिजल्ट मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो तो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो। अपने जर्नी को एंजॉय करो, इसमें पेन लो, इसमें संघर्ष करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा जब ये प्रोसेस बेहतर होगा। सोचने का कोई फायदा नहीं कि वो मिलेगा, और इसको हम सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होके अपना समय खराब करेंगे। अच्छा मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही तो भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, खराब चल रही तो प्रोसेस को ठीक करो, इसके बारे में सोच के क्या मिलेगा, इसके बारे में सोच के क्या मिलेगा। तो एंजॉय योर जर्नी, इस प्रोसेस के वजह से ही वो रिजल्ट मिलता है, तो इसको एंजॉय करो, इसमें संघर्ष करो, इसमें पेन लो, उसको मत सोचो
90% बच्चा यही अटका रहता है रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कैसे हो? वो प्रोसेस से आएगा, प्रोसेस पे ध्यान। कि बच्चा कहीं गांव में बैठ के कहीं भी कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो परेशान है, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और मुझे ये बताना उसके लिए बहुत जरूरी था कि बेटा आसान नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये सच में बहुत मुश्किल काम है, और तुम्हारे जितना ही परेशान सारा बच्चा है। बहुत आसान नहीं है ऑनलाइन पढ़ लेना, ऑफलाइन पढ़ लेना बड़ा आसान है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने में बच्चों को लगता है कि वो पढ़ रहा है क्योंकि क्लास में बैठा है। तो ये बताना बहुत जरूरी था।